लिसाड़िया गांव के बॉर्डर पे हूँ मैं और यहाँ पे मेरे साथ ग्रामीण है, इनसे जानते हैं कि आखिर सीकर की जनता का क्या मानस है। वो सुमेधानंद जी को वोट देते हैं, अमरा राम जी को। सर क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी क्या लग रहा है, क्या रुझान है यहाँ? अमरा राम जी भी है कांटे की टक्कर में। अमरा राम जी जनता के बीच हम भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि अमरा राम जी अच्छे मतों से जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, जीत नहीं जीत रहे। आप सुमेधानंद जी को देखकर वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी को देखकर, क्योंकि मोदी फैक्टर चल रहा है? मोदी जी। तो बाबा का ये कभी आते नहीं है क्या गांव में? नहीं आई, 8 साल में 10 साल में नहीं आई हमारे, एक बार भी नहीं है। तो फिर तो आपको एक बार अभी वोटूंगा, आए थे और पहले नहीं आए। तो ऐसा नहीं लगता कि अमरा राम जी पर भरोसा करना चाहिए? भरोसा वो अकेले अब क्या करेंगे, पूरी सिस्टम ही बीजेपी का है तो वोट दे क्या करेंगे। सीधा सीधा आपने तो कह दिया मोदी फैक्टर को देख कर वोट देंगे। क्या अच्छाइयां नजर आती है मोदी जी के, किन कामों से प्रभावित है कि इसलिए हम वोट दे रहे हैं? क्या बताइए, कोई तो अच्छाई पसंद होगी ना। अच्छाई अच्छाई है सभी, मोदी जी पसंद है इसलिए वोट देंगे। सुमेधानंद को एक कांटे की टक्कर में तो अमरा राम जी नहीं है, कांटे की टक्कर में क्योंकि पार्टी कांग्रेस पार्टी का है नहीं और वो कांग्रेस खड़ा कराया उसके साथ धोखा हो सकता है, ऐसी संभावना। गठबंधन का आदमी है, साफ सुथरा आदमी नहीं है। कांग्रेस से टिकट मिली तो कांटे टिक ही जाता, लेकिन कांग्रेस समर्थन दे दिया उसने, नहीं कर सकता। अगर बाबा एक लाइन में पूछूं कि मोदी जी ने देकर वोट दोगा कि सुमेधानंद का काम की वजह से वोट दोगा? सुमेधानंद सीधा आदमी है, साधारण आदमी है, सिंपल आदमी है, ऐसे कोई राजनीति ज्यादा लगता करता नहीं है और मोदी जी का आदमी है, इसलिए मोदी जी को देख के वोट देते हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा हमारा, 400 सीटें 400 नहीं है, 300-350 सीट आ जाएगी जी, 400 नहीं है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 25 सीट है बीजेपी के पास, क्या लग रहा है? 25 में 17-18 सीट आ जाएगी। कांग्रेस भी जोर के साथ जुटी हुई है मैदान में कि 25 सीट हम ले जाएंगे। हाँ, नेता कांग्रेस का जीत बीजेपी भी जैसा रहा, भ्रष्टाचार से कांग्रेस में कोई जोर नहीं है। कहते हैं कि मोदी जी डराते हैं, खुद मोदी जी भ्रष्टाचार, मोदी जी डराते हैं, ईडी ऐसे ऐसे डरा धमका के कांग्रेसियों को बीजेपी मिले जाए। साफ सुथरा आदमी, ईडीसी का क्या डर देगा, साफ सुथरा रहेगा, उसके सब घोटाला करा हुआ है, जब भी पार्टी छोड़ के बीजेपी मिली है विकास का सरकार, फिर कांग्रेस में कोई लेन देन नहीं। भ्रष्टाचारी है, मोदी जी को भ्रष्टाचारी बताते कांग्रेस वाले, खुद सोनिया गांधी बताती है। ये तो पार्टी पक्ष का है, इससे कोई मतलब नहीं, पता नहीं। आप अपने गांव की बात करूं, गांव की जनता कैसे सपोर्ट कर रही है? सुमेधानंद को बीजेपी, हमारे अंतरा पंचायत में दिसाड़िया अंतरा में 3,000 वोट है, उसमें 2,000 तो बीजेपी की, 1,000 वोट। और अगले प्रधानमंत्री कोई नए चेहरे देख बुचाओ जो कि फिर थे? मोदी जी इस बार तो मोदी जी कोई। और बाबा राहुल गांधी बन जाए तो प्रधानमंत्री? नहीं, किसका काए नंबर आएगा राहुल गांधी का, कोई भी नहीं। राहुल गांधी जी तो बोली न्याय यात्रा कर रहे थे। अरे यात्रा करोगे, यात्रा से कोई नहीं, कौन जाओ राहुल गांधी ने क्यों, वो भी नया यूथ है, एक नया उभरता हुआ चेहरा है, मौका तो मिलना चाहिए। नहीं,